कोलकाता के बर्बन रोड स्थित सिटी सेंटर में गाजीपुर फ्रेंड क्लब के द्वारा लिट्टी चोखा उत्सव का पालन किया गया। इसमें उपस्थित थे जोरा साकू की विधायिका स्मिता बख्शी, जोरा साकू के पूर्व विधायक संजय बख्शी, वार्ड 44 के प्रशासक रेहाना खातून, गाजीपुर फ्रेंड क्लब के इजाज अहमद, दारा सिंह, अनिस सिद्दीकी, मोहम्मद अफ्ताब, दीपक निगानिया, दीपक सोनकर, आकाश सोनकर, अयाज अहमद खान। बात है, इस दौर का तकाजा भी है, इशारा भी है कि हम लोग एक टीम वर्क में हम लोगों को शामिल रहना चाहिए ताकि समाज का काम हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनके ज़रिए, जिन बच्चों के ज़रिए मुझे दावतनामा मिला, अनिश जो है हमारे अनिश सिद्दीकी, हमारा नौजवान, हमारा बेटे की तरह है, मैं और हमारा आफ्ताब, हमारे एजाज भाई यहाँ पर मौजूद हैं, एजाज खान भाई, और हमारे अयाज खान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, असलम भाई मौजूद हैं, सभी भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि किसी न किसी बहाने ये इस दौर के हालात का वाकई तकाजा है कि किसी, आप लोगों ने जो जद्दोजहद किया, रबीन सरानी में भी कई दफ़ा देखा आप लोगों ने, लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश की, और इस नौजवान जो है इस वक्त पूरे मुल्क की ज़रूरत होते हैं। कहीं भी देखिएगा, कोई आसमानी कहर हो, ज़मीनी कहर हो, कोई भी मुसीबत आए, सबसे पहले लोग नज़र उठा करके नौजवानों की तरफ देखते हैं। जब भी किसी का जनाजा कांधे पे रखना होता है, कोई किसी ज़ईफ को, किसी बूढ़े को, किसी औरत, किसी बच्चे को कोई आवाज़ नहीं देता, बल्कि नौजवानों की तरफ ही आँख उठा करके देखता है कि नौजवान ही आगे आएंगे। जब कोई जितने मेहमान हमारे आए हुए हैं, शायद मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, इसारुल भाई, हमारे अच्छा आकाश भाई, हमारे शाहजहाँ भाई, हमारे अभिषेक भाई, हमारे दीपक भाई, और काफ़ी मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं, विजय भाई, दीपक निगानिया जी, दीपक सोनकर जी, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी तरफ से जो ये प्रोग्राम गाजीपुर फ्रेंड्स क्लब से जो कराया गया है, इसमें शरीक होने का, इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाला है आफ्ताब भाई हैं। आफ्ताब ने कहा कि अयाज भाई रहने दिए, ये प्रोग्राम हम कराते हैं, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करो, आगाज़ करो, अंजाम के लिए मैं हूँ पीछे में। अनीस है, औरंगजेब हमारा है, बोलू भाई हमारे हैं, हमारे बड़े भाई एजाज भाई हैं, हमारे बगल में बैठा एजाज, काफ़ी हमनुमा, काफ़ी मोहब्बत वाला लड़का है, ये तो ऐसा लड़का है कि मतलब अगर इसको मैं 2 बजे रात को भी बुलाता हूँ तो एक पैर पे चढ़े हुए चले आता है। तो ऐसे मेरे टीम के साथ काफ़ी प्लेयर हैं जो काफ़ी हर वक्त ये गाजीपुर फ्रेंड्स की तरफ से हमेशा 24/7 खड़े रहते हैं, और किसी भी काम में ना करने का उनका फितरती नहीं, उनका जहन में पब्लिक सेवा बना हुआ है, सब का बात ही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हमारे पास आता है, हमारे संस्था के पास आता है, तो हमें ये उम्मीद है, हमें ये पता भी है, और हमें इस बात का फख्र भी है कि वो खाली हाथ नहीं जाता, इंशाल्लाह वो पूरा उसका काम हो जाता है। तो इसी एक जस्ट एक ये तो लिट्टी चोखा का प्रोग्राम एक बहाना है कि एक दूसरे से हम लोग मिले, आपस में जो नातफाकियाँ उसको दूर करें, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करें, और कहीं कोई इस जुड़ा साकू और सोरंगी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे मिल के इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करें। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का बात यहाँ पर नहीं है, ये बस एक गाजीपुर फ्रेंड्स एक अदारा है, हम लोग गाजीपुर से आए हुए हैं अपने पेट खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए, शहर बदर हो हम लोग इस कलकत्ता शहर में अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन हम लोग यहीं रह गए, यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं, हम लोग आज यहीं के बाशिंदा हैं, यहीं हमारा वोटर आईडी कार्ड है, हम लोग जहां से भी आए गए हैं, लेकिन हम सब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के सिपाही हैं। मेरा मंजिल कहीं भी हो, रास्ता कहीं भी हो, ठिकाना कहीं भी हो, लेकिन मंजिल एक ही है, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, कालीघाट। बस यही कहता हूँ कि हमें इस बार आने वाले इलेक्शन में देखना है कि अपने वोट को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा वोट है, देख के, जहन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, सही जगह वोट देना है, अपना वोट को हमें बर्बाद नहीं करना है कि आने वाले दिन में हमारा मुस्तकबिल का फैसला हमारा वोट ही करेगा। बस अभी तमाम साथी गण यहाँ उपस्थित है, गाजीपुर फ्रेंड्स क्लब के सभी सदस्य भी यहाँ मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं, गाजीपुर फ्रेंड्स क्लब एक ऐसी संस्था है जो 12 महीना में 15 प्रोग्राम करती है,
चाहे वो कम्बल वितरण का प्रोग्राम हो, चाहे वो लिट्टी चोखा का उत्सव हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तक वितरण हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप हो, कुछ न कुछ सामाजिक काम ये लोग आम जनता के बीच में रहकर करते रहते हैं। अनिल सिद्दीकी जी, माननीय हमारे सर्व श्री अमर बंगाली भाई साहब, साथ में हम लोग जाते थे, ऐसे गुरु हमारे बीच में है। নতুন ছাড়া ফেলে দিতে পারে এই লিটি চোখা উৎসবে। তো এই লিটি চোখা উৎসব খুব ভালো, সকল শুধুমাত্র খাওয়া নয়, সকলকে একত্রিত করার একটা প্রয়াস, সকলকে একত্রিত করার। এখানে দেখুন বিহারবাসী আছে, বাংলাবাসী আছে, ইউপি বাসী আছে, সর্বোপরি হিন্দু মুসলিম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, আমরা সব একত্রিত করে এটা একটা উৎসব, যেরকম রক্তদান উৎসব হয় সেরকম রক্তদান। এখন আর রক্তদান নয়, রক্তদান শিবির নয়, রক্তদান উৎসব। লিটি চোখা খাইয়ে, লিটি চোখা খাইয়ে, এরকম বললে হবে। কোন রাজ্যের মানুষ তাদের উৎসবটাকে না পাওয়ার মতো ভাবে না। আমাদের এখানে যেরকম ঈদের উৎসব উৎসব হয়, সেরকম ভাবে আমরা দেখেছি বড়দিনের উৎসব হয়, গঙ্গোর পূজা, যেটা কালাকার স্ট্রিটে সবাই বড়, রাজস্থান বিকানির কেউ লোকে এখন ভুলে যায়, কেউ আর রাজস্থান বিকানির যায় না, এখানেই লিটি চোখা উৎসব হয়। সেরকম বিহারের আদিবাসী যারা এই বড় বাজারে সারা দিন থাকেন তাদের একটা উৎসব। এবং যেমন আপনারাও দেখবেন খুব ভালো খাওয়ার শুধু একটা ভালো গেট টুগেদার হচ্ছে, লোকের সঙ্গে মেলার আছে, মিলে আমরা দেখবো লোকের কোনো সমস্যা আছে, লোকের এক দুসর সঙ্গে থাকবো, মাটি সমস্যার জন্য আমরা কাজ করি, আমরা নেতৃত্বে কাজ করি, গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করি। তো জাস্ট একটা একটা রিজন আছে, সবাই একটা করতে হবে, একসঙ্গে হয়। আমরা চাই যে লোকের মানুষের সঙ্গে থাকি, মানুষের প্রবলেম রেজলভ করি, আর বাস আমি চাই সব লোক এটা খেয়ে দেখুন, খেয়ে উৎসবটা ভালো করে থাকবো না, সুস্থ হয়ে থাকবো। কতগুলো বসে এই পাঁচ টাইম, এটা তো আমরা তিন বছর থেকে হচ্ছে, এটা যত দিন যাবে অত বড় হতে থাকে। পুরান জিন্দগি রা সব ঠিকঠাক রাখতে পুরান আমার বলা।